स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीएम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की ज्योग्राफी की बुक समकालीन भारत 2 का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मृदा। मृदा, मृदा को क्या कहा जाता है? मिट्टी भी कहा जाता है। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात मिट्टी हमें कहाँ पाई जाती है? प्रकृति में किसी भी रूप में पाई जा सकती है। मिट्टी अर्थात मृदा कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है, अर्थात इसमें कई प्रकार के छोटे मोटे जीव जंतु या जानवर भी कहाँ रहते हैं? मृदा में रहते हैं। और ये कहते किसे हैं? मृदा, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसे क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा बनती कैसे है? मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसकी जो प्रोसेस है, वो बड़ी ही क्या है? धीमी होती है। अर्थात मृदा का निर्माण बड़ी ही धीरे धीरे होता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर, मतलब जो मिट्टी की जो मोटाई 1 सेंटीमीटर है ना, उसको बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। और मृदा का निर्माण होता कैसे है? शैलों अर्थात जो चट्टानें होती हैं, अपघटन अर्थात उसके टूटने फूटने की क्रिया के द्वारा क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण में कई प्रकार के जो प्रकृति कारक होते हैं, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि तापमान, कि तापमान कैसा है, पानी का बहाव, पानी का फ्लो कैसा है, या पवन के द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। इसके अलावा जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय स्थलाकृतियाँ, उस समय की लंबी अवधि, ये क्या है? मृदा के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जब मृदा का निर्माण होता है, इसकी प्रोसेस होती है, इसमें कई प्रकार के भौतिक और रासायनिक, मतलब केमिकल जो चेंजेस होते हैं, उनका भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? मृदा का वर्गीकरण अर्थात मृदा के प्रकार। इसके जो प्रकार हैं, वो कई आधारों पर निर्भर करता है। वो कैसे? कि उसकी मिट्टी की बनावट कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसकी आयु अर्थात मिट्टी कितनी नई है या पुरानी है, उसके रासायनिक जो गुण हैं, आदि के आधार पर मृदा के कई प्रकार होते हैं। भारत में पाई जाने वाली जो मृदा है, वो कई प्रकार की है। आमतौर पर भारत में जो मृदा पाई जाती हैं, उनके कितने प्रकार के माने गए हैं? 6 प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है। उन 6 प्रकारों में सबसे पहली प्रकार की जो मृदा है, वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा होती कौन सी है? कि नदियों द्वारा, मतलब नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और यह मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। उपलब्धता अर्थात ये कैसे उपलब्ध होती है जलोढ़ मृदा? जलोढ़ मृदा नदियों या नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों में पाई जाती है। अर्थात जो नदियां पानी के बहाव के साथ जो मिट्टी लेकर आती हैं, उनके द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा की आयु बहुत कम होती है। अर्थात इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो इसकी आयु होती है, वो बहुत ही कम होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में यह मृदा कहाँ पाई जाती है? भारत में यह मृदा पूर्व और उत्तर के मैदानों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, वो बहती हैं। और जलोढ़ मृदा का संचयन, मतलब इसको जो इकट्ठा किया जाता है, वो नदियों के तंत्र, मतलब नदियां कई साथ एक साथ इकट्ठी बहती हैं और उनके द्वारा मिट्टी लाई जाती है, उनके द्वारा ही मृदा का निर्माण होता है। और जलोढ़ मृदा पूरे उत्तरी भारत के मैदानों में पाई जाती है। और यह मृदा महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के निकट जो तटीय मैदान पाए जाते हैं, उन मैदानों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसको जो कण हैं, जो आकार है जलोढ़ मृदा का, उसके इन कणों के आकार के अलावा मृदा को हम उसकी आयु के हिसाब से भी कई प्रकारों में बांट सकते हैं। कई प्रकार मतलब इसको 2 प्रकारों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। अर्थात कि पुरानी, मतलब जो प्राचीन जो जलोढ़ मृदा है, उसे क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। बांगर के कण छोटे आकार के होते हैं, मतलब
जो बांगर मृदा होती है अर्थात जो पुरानी मृदा होती है मिट्टी होती है उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। जबकि नई जलोढ़ मृदा अर्थात जो खादर है उसके कण क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूने की प्रचुरता अर्थात ये पर्याप्त मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, इसलिए जो जलोढ़ मृदा है वो गन्ने की फसल के लिए, धान, गेहूं, मक्का और दाल की फसल के लिए बड़ी ही उपयुक्त होती है। लाल और पीली मिट्टी, मिट्टी का ये दूसरा प्रकार है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि इसको लाल मिट्टी कहाँ क्यों जाता है, क्योंकि जो लाल मिट्टी होती है इसमें जो लौह पदार्थ होते हैं, लौह पदार्थ की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। और यह मिट्टी क्या होते हैं कि ज्वार बाजरा आदि की फसल के लिए बड़ी ही लाभदायक होती है। और ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है, मुख्य रूप से कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं, मतलब ये निर्माण इसका कैसे हुआ और ये कहाँ पर ये विकसित हुई। लाल मृदा अर्थात लाल मिट्टी दक्कन का पठार अर्थात जो नीचे वाला हिस्सा है, जैसे कि इसे महाराष्ट्र है या आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है, ये वाला हिस्सा ये दक्कन का पठार कहा जाता है। इसे दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में इनका विकास हुआ। लाल और पीली मृदाएं अर्थात लाल पीली मृदाएं ये पाई कहाँ जाती हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पदों पर पाई जाती है। इन मृदाओं का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, रवेदार आग्नेय और रूपांतरित मतलब ये अपना रूप बदल लेती है चट्टानों में लोहो धातु मतलब लोहो पदार्थ की अधिकता के कारण इसका क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्या आता है, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा क्या होती है, ये लेटराइट मृदा होती है, इसका रंग क्या होता है कि इसका रंग ईंट के जैसा होता है, जैसे हम होती है ना ईंट का रंग होता है ऑरेंज, उसके जैसे इसका आकार होता है। और इस प्रकार की मृदा में एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। और ये जो मृदा होती है कम गहरी अर्थात ये तथा कम उपजाऊ होती है, वही पाई कहाँ जाती है, यह मृदा पूर्वी और पश्चिमी घाट उड़ीसा और असम में भी पाई जाती है। लेटराइट मृदा क्या उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विकास होता है अर्थात ये वहाँ पर ये बनती है। ये मृदाएँ मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ यह मृदा कम उपजाऊ होती है, इसमें खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, इसमें नष्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मृदा कौन सी है, काली मृदा। काली मृदा क्या होती है, इसे काली मृदा ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है, इसलिए इस मिट्टी का रंग काला होने के कारण क्या होता है कि इसको काली मिट्टी कहा जाता है। और इसका एक अन्य नाम और क्या है, रेगर मृदा, इसको रेगड़ मृदा भी, मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण अर्थात उचित मानी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये मृदा पाई कहाँ जाती है, ये मृदाएं इस प्रकार की मिट्टियाँ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पत्थरों पर पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी दिशाओं में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये मृदा फैली हुई है। काली मृदा बहुत ही महीन अर्थात छोटे छोटे अर्थात मृत्तिकाओं से बनी होती है, इनकी नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भरी हुई अर्थात बनी हुई होती है। और ये जो मिट्टी है ये ज्वार बाजरा के लिए भी क्या होता है कि उसके लिए महत्वपूर्ण होती है।
मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा उन स्थानों में पाई जाती है जहाँ अल्प वर्षा अर्थात जहाँ पर वर्षा क्या होती है कम होती है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण क्या होता है ये बड़ी तेजी से होता है। इस मृदा में लवण अर्थात नमक की मात्रा अत्यधिक होती है। इस मृदा को समुचित उपचार के बाद ही खेती के लायक बनाया जा सकता है। और जो मुस्लिम मृदा है ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में पाई जाती हैं। यह उन भागों में पाई जाती हैं जहाँ पर जल मतलब जो जल होता है कम मात्रा में पाया जाता है। और इस प्रकार की मिट्टी में रेत की कणों की अधिकता होती है और इसका जो रंग होता है वो हल्के भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट आता है वन मृदा। इस वन मृदा को पर्वतीय मृदा भी कहा जा सकता है अर्थात पहाड़ी मिट्टी भी इसको बुलाया जा सकता है। पहाड़ी मिट्टी कहाँ पाई जाती है वन मृदा अर्थात पर्वतीय मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊपरी ढलानों पर यह मृदा अत्यधिक क्या होती है अम्लीय होती है लेकिन निचले भागों में यह मृदा क्या होती है काफ़ी उपजाऊ होती है। इस मृदा का जो निर्माण है वो क्या होता है वनस्पति के आवरण और जीवों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह मृदा असम उत्तर प्रदेश मैसूर और लघु हिमालय आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। कांगड़ा देहरादून उत्तरी बंगाल और असम के पहाड़ी ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टियों में लोहे की मात्रा अधिक और चूने की मात्रा क्या होती है कम होती है। और ये जो पर्वतीय मृदा है ये चाय की फसल के लिए बड़ी ही उचित मानी जाती है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मृदा अपरदन और संरक्षण। ये मृदा अपरदन क्या होता है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। अन्य शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि भारी वर्षा और जो पवने होती हैं मिट्टी की अधिक मात्रा को घोलकर अथवा उड़ाकर उसे अपने साथ ले जाती हैं। इसके फलस्वरूप मिट्टी के उपजाऊ तत्व नष्ट हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी का कटाव कहा जाता है। जो मृदा अपरदन ज़्यादातर होता किन क्षेत्रों में है कि ये अपरदन मरुस्थलीय क्षेत्रों तथा तीव्र ढाल वाले भूभागों में ये मृदा अपरदन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मृदा अपरदन किस कारण से होता है कहाँ होता है ये वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब क्या आता है वनों को काटा जाना। जो वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रखती हैं और उनको बह जाने से रोकती हैं। लेकिन जिन स्थानों पर वृक्षों को अंधाधुंध काटा जाता है वहाँ पानी के बहाव की गति अत्यधिक तेज हो जाती है और मृदा का अपरदन होता है। दूसरा कारण क्या है इसका सघन कृषि यहाँ पर गहरी कृषि की जाती है। अगला कारण क्या हो सकता है अति पशुचारण मतलब अत्यधिक चराई के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। पहाड़ी ढालों पर पशुओं और विशेषकर बकरियों द्वारा अत्यधिक चराई के फलस्वरूप मिट्टी का अपरदन होता है। भवन निर्माण जैसे क्या है कि ज़्यादातर भवन बन रहे हैं जनसंख्या वृद्धि ये भी इसका एक कारण हो सकता है। और अन्य प्रकार की मानवीय क्रियाएं हैं उनके द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। इसका और कारण क्या हो सकता है मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा अपने साथ मृदा को बहाकर ले जाती है जिससे अत्यधिक मृदा अपरदन होता है। एक अन्य कारण क्या हो सकता है पवन अपरदन मतलब पवनों के द्वारा तेज हवाओं के द्वारा मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन मिट्टी के छोटे छोटे कणों को उड़ाकर ले जाती है जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। और मृदा अपरदन से जो सामान्य क्षेत्र हैं वो क्या है कि उसका मरुस्थल बनने का खतरा बना रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस मृदा अपरदन को रोका कैसे जा सकता है कि कैसे रोका जा सकता है इस मृदा अपरदन को कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की जरूरत होती है। क्या इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं जैसी क्या चीज़ें पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाए रख सकती हैं इसलिए वनारोपण अर्थात वनों को मतलब वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाकर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। और ढाल वाली जगहों पर समोच्च जुताई मतलब सीढ़ीदार खेती के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाकर उसकी रक्षक मेखला बनाकर भी क्या किया जा सकता है मृदा
अपरदन को रोका जा सकता है। और क्या कारण हो सकते इसको रोकने का, और कैसे रोका जा सकता है मृदा अपरदन को, कि जो अत्यधिक जो पशु चराई है उसके ऊपर भी रोक लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसलिए मृदा संरक्षण के लिए कृषि योग्य भूमि में पशुओं की चराई पर क्या होनी चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। इसके अलावा मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, बांध बनाकर, बांध बनाकर भी क्या है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्यों, कैसे, नदियों और नालों पर बांध बनाने से मृदा का फालतू बहाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए ये क्या चीज है, मृदा अपरदन रुक जाता है। वेल स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।